आज यानी 1 जुलाई से देश भर में कानून की भाषा बदल चुकी है। 3 नए आपराधिक कानून लागू हो चुके हैं। इन नए कानूनों के लागू होने के बाद आपराधिक न्याय प्रणाली में व्यापक बदलाव आएंगे और ब्रिटिश काल से कानूनों की विदाई हो चुकी है। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम ब्रिटिश काल के भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह ले ली है। वहीं देश में 3 नए आपराधिक कानून पर बिहार की उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि आज भारतीय न्याय व्यवस्था गुलामी की जंजीरों से पूरी तरह मुक्त हो गई। भारत के पास अपना कानून होगा जो केवल दंड ही नहीं देगा बल्कि समय सीमा के अंदर न्याय दिलाएगा। 60 दिनों के अंदर आरोप तय करना होगा और 45 दिनों के अंदर ट्रायल करना होगा। देखिए, भारतीय न्याय व्यवस्था आज पूरी तरह से गुलामी के जंजीरों से मुक्त हो रहा है। मां भारती के संतानों के द्वारा हमारे भारतीयों के लिए अपना कानून होगा जो सिर्फ दंड ही नहीं देगा, न्याय देगा। समय सीमा के अंदर एक माहौल बनाएगा जो लोगों को जजमेंट के लिए परेशान नहीं होगा। लंबे समय तक अपराधी उसकी खामियों से बच नहीं पाएंगे। उनको 60 दिन के अंदर आरोप तय करना होगा और 45 दिन के भीतर ट्रायल करना होगा। ये माहौल आज देश के अंदर बना है। अब भ्रष्टाचारी सजायाफ्ता नेतागिरी करते रहे, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते रहे, जनता की गाढ़ी कमाई लूटते रहे, ये नहीं चलेगा। सभी वंशवादी, कांग्रेस हो या राजद, हैं बड़ी घबराहट में, परेशान है, इसलिए बेचैन है। देखिए, भारतीय न्याय व्यवस्था आज पूरी तरह से गुलामी के जंजीरों से मुक्त हो रहा है। मां भारती के संतानों के द्वारा हमारे भारतीयों के लिए अपना कानून होगा जो सिर्फ दंड ही नहीं देगा, न्याय देगा। समय सीमा के अंदर एक माहौल बनाएगा जो लोगों को जजमेंट के लिए परेशान नहीं होगा। लंबे समय तक अपराधी उसकी खामियों से बच नहीं पाएंगे। उनको 60 दिन के अंदर आरोप तय करना होगा और 45 दिन के भीतर ट्रायल करना होगा। ये माहौल आज देश के अंदर बना है। अब भ्रष्टाचारी सजायाफ्ता नेतागिरी करते रहे, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते रहे, जनता की गाढ़ी कमाई लूटते रहे, ये नहीं चलेगा। सभी वंशवादी, कांग्रेस हो या राजद, हैं बड़ी घबराहट में, परेशान है, इसलिए बेचैन है।